Praise is exalting Jesus. और महिमा का अर्थ है यीशु को ऊपर उठाना. It's worshiping the king. उस उनकी महिमा करना उस राजा की. It's rejoicing in him. और परमेश्वर में आनंदित होना. It's boasting in him. उनकी बातों को दूसरों को बताना. It's giving thanks. परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना. And it's blessing God. और वो एक तरह से परमेश्वर के लिए को धन्यवादित ठहराना. Today I want to speak on the secrets of praise. और मैं आपको आज उन गुप्त बातों के बारे में, महिमा की गुप्त बातों के बारे में बताने वाली हूँ. If you'll turn in your Bible to Luke chapter 10. और अगर आप लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय निकाल लें. And verse 17 to 21. और लूका उसका 10वां अध्याय और 17वां पद से लेकर के 31वें पद तक. I'm going to read it in English and Ambrose in Hindi. It says the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I've given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. At that time, Jesus, full of joy, through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. और लूका 10 उसका 17 से मैं पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है. उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था. देखो, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं. उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों के से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे. Here Jesus had sent the 70 or the 72 out to do wonders. और यहाँ पे यीशु मसीह लोग अपने चेलों को भेजते हैं ताकि वो आश्चर्य कर्म करें. And they saw blind eyes open, they saw healing and deliverance. और उन्होंने देखा कि अंधे को आंखें मिल रही हैं और उन्होंने देखा कि जो लोग ग्रसित हैं दुष्ट आत्माओं से उनको छुटकारा मिल रहा है. And the disciples are coming back and they're saying, Jesus, we're excited that those demons submit to your name. और जो चेले हैं वो इन सब बातों को देख करके वापस आके गवाही देते हैं कि कितना ही आनंदित वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो 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 शैतान है वो यीशु के नाम में झुक जा रहा है. And Jesus replies, I saw Satan fall like lightning from heaven. और यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि मैंने शैतान को देखा कि वो बिजली की नाई आसमान से नीचे गिरा. Satan used to be in heaven. और बताना चाहूंगी कि शैतान आसमान में होता था. He used to be the lead worship leader in heaven. और शैतान एक समय प्रमुख अगुवा होता था परमेश्वर की महिमा करने वाले झुंड का. He was a beautiful angel of light. और वो एक स्वर्गदूत था जो कि बिल्कुल रोशनी के जैसा बना हुआ था. But pride came in his heart. लेकिन उसके दिल में घमंड आ गया. And the Bible says that he wanted to be above God. और धर्मशास्त्र ये बताता है कि ऐसा घमंड आया कि वो परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा समझने लगा. He wanted to receive the worship that was alone reserved for God. और वो उस महिमा को हासिल करने की चेष्टा करने लगा जो कि सिर्फ परमेश्वर के लिए था. And so God banished him from heaven. और इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया. And so Satan fell like lightning from heaven. और इसलिए शैतान स्वर्ग से नीचे गिरा मानो बिजली ऊपर से नीचे आ रही है. And all the angels that respected him. और जितने स्वर्गदूत जो कि शैतान की पूजा करते थे वो भी उसके साथ गिरे. That's what we call demons today. और उन्हीं को हम आज दुष्टात्मा कहते हैं. So where are the demons today? और जो शैतान और दुष्टात्मा ये कहाँ हैं? They're here on the earth. वो इसी पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं.
But they have to submit to God. लेकिन उन दुष्टात्माओं को भी यीशु मसीह के सामने झुकना पड़ता है. But Jesus says, don't rejoice because of that. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि उसके चलते आनंदित मत हो. But rejoice because your name is written in heaven. लेकिन तुम इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारी नाम उस जीवन की पुस्तिका में स्वर्ग में लिखी है. You know, often we're excited about things on earth. और कई बार हम पृथ्वी की सारी चीजों को लेकर के काफी खुश हो जाते हैं. But our focus needs to be on heaven. लेकिन हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए स्वर्ग की ओर. Because one day we're going there. क्योंकि एक दिन हम वहां जा रहे हैं. This life on earth may be 70, 80, 90 years. क्योंकि जो हमारा उम्र है इस पृथ्वी पे 70 साल, 80 साल, 90 साल ज्यादा से ज्यादा. But soon we'll be gone. लेकिन एक समय आएगा जब हम इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे. And we focus so much on what happens here on earth. और हमें इतने ही थोड़े समय के लिए पृथ्वी पे रहना है, फिर भी हम सारा ध्यान यहीं पे केंद्रित रखते हैं. But Jesus is saying, focus on heaven. लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपना ध्यान केंद्रित स्वर्ग की ओर रखो. Focus on the fact that you have been purchased by the precious blood of Jesus. और इस बात को जाने कि यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा आप खरीदे जा चुके हैं. When you have the giver of life, जब आपको जीवन देने वाला परमेश्वर आपके सामने है, then it's greater than having all the gifts that he gives us. तो ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सारे भेंटों को जो कि भी वही देता है. So that's what praise is. The first thing is praise focuses on heaven. और यही महिमा का अर्थ है. पहला बिंदु कि महिमा ध्यान केंद्रित करवाता है स्वर्ग की ओर. If you remember that, you will be able to praise. और अगर आप इस बात को याद रखें तो आप महिमा कर पाएंगे. Then you won't be focused on yourself and what's happening in your life. क्योंकि आपका ध्यान अपने ऊपर नहीं होगा, आपका ध्यान उस चीजों के ऊपर नहीं होगा जो आपके जीवन में हो रही है. But you'll be focused on God and how great and powerful and awesome our God is. लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होगा उस परमेश्वर पे. आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महान, शक्तिशाली, प्रेमी परमेश्वर है. And Jesus was praising the Father in verse 21. और जब यीशु मसीह 21वें पद में परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, He says, I praise you, Father, because you have hidden these things from the wise and learned, but you've revealed them to children. और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पे प्रकट किया है. That's a secret today. और यही वो गुप्त बात है महिमा के. But it's revealed to all of us, children of God. जिसका प्रकाशन उस परमेश्वर के सारे बच्चों पर किया गया है. Amen. आमीन. Do you know that secret? अब आपको ये गुप्त बात पता है? That God is great and He's in heaven and we need to worship Him. और परमेश्वर महान है और वो स्वर्ग में है और हमें उसकी उपासना करनी है. Our circumstances may change. हमारी जो स्थिति है वो बदल सकती है. But God never changes. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा. Okay, the second secret of praise is praise connects us to heaven. और दूसरा गुप्त बातें महिमा के बारे में है, ये है कि महिमा जो है वो स्वर्ग को पृथ्वी से एक तरह से जोड़ देता है. Psalm 22:3 says he inhabits the praises of his people. और भजन संहिता में ये लिखा है कि वो उत्साहित होता है अपने बच्चों के महिमा के द्वारा. He comes and lives in the praises of his people. और परमेश्वर आकर के रहना शुरू कर देता है अपने लोगों के महिमा के द्वारा. So you know what's happening in heaven, right? You know the glimpses of heaven that we see where there's praising and there's worshiping of God the Father. तो आप एक तरह से आपको एक दृष्टि मिल सकती है, दृष्टिकोण मिल सकता है कि स्वर्ग में क्या हो रहा है. वहां पे एक महिमा का समय है, परमेश्वर की महिमा की जा रही है. At Jesus's birth, the angels were worshiping and the shepherds saw it. और यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो गड़ेड़ियों ने इस बात को देखा कि किस तरह से स्वर्गदूत महिमा कर रहे थे. In the book of Revelation, we see the praises that are continuing forever and ever in heaven. और प्रकाशित वाक्य में हमें और जानने को मिलता है कि किस तरह से जो महिमा का समय है वो लगातार चला जा रहा है स्वर्ग में. So heaven comes down on earth, invades earth when we praise. और स्वर्ग जो है वो एक तरह से पृथ्वी पे आ जाता है जैसे हम महिमा करने लगते हैं. Wow, how awesome is that? कितना ही उत्तेजित करने वाली बात है. Heaven can come down in our situation when we praise. जब हम महिमा करते हैं तो स्वर्ग मानो पृथ्वी पे उतर जाता है. If we knew that, we would praise him more. और अगर हम इस बात को जाने तो हम शायद परमेश्वर की महिमा और भी ज्यादा करें. Because we'd see his kingdom come here on earth. क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पे हो.
And his will done on earth as it is in heaven. और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. The third secret of praise is. और जो तीसरा गुप्त बात महिमा के बारे में है. Praise is birthed by the Holy Spirit. जो महिमा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होता है. The Holy Spirit always leads us to praise. और जो पवित्र आत्मा है वो लगातार हमारी अगुवाई करता है, प्रेरित करता है कि प्रार्थना करो. When the Holy Spirit came upon Mary as a virgin. और जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा. And the Holy Spirit overshadowed her. तो पवित्र आत्मा पूरी तरह से भर गया, ढांप दिया मरियम को. And she conceived by the Spirit of God. और वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा. Praise came out from Mary's mouth. और महिमा की बातें मरियम के मुंह से निकलती हैं. She says, "My soul magnifies the Lord." और मरियम ये बोलती है कि मेरा जो आत्मा है वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है. My spirit rejoices in God, my savior. और मेरा जो आत्मा है वो उत्साहित हो रहा है परमेश्वर मेरा बचाने वाला के प्रति. For he that is mighty has done great things. क्योंकि वो जो मुझसे कहीं बड़ा है उसने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है. Holy is his name. और कितना महिमा देती है वो परमेश्वर के उस नाम को. And then in Acts 2, when the Holy Spirit falls on the 120 people. और 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है. They were speaking in tongues. और वो अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं. And people heard them praising God. और लोगों ने जो दर्शक थे उन्होंने सुना कि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. The Holy Spirit births praise. पवित्र आत्मा जन्म देती है महिमा को. And I want to encourage you, if you feel you can't praise God. और मैं आपको उत्साहित करने की कोशिश करूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे हैं, Ask the Holy Spirit to overshadow you. पवित्र आत्मा से आप निवेदन करें कि वो आकर के आपसे वो कार्य को करवाए. Welcome the Holy Spirit. उसको आमंत्रित करें पवित्र आत्मा को. And then you will be able to praise. और आप खुद ब खुद परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे. The fourth thing is praise leads us to victory. और चौथी गुप्त बात यह है कि महिमा हमें जीत हासिल करवाती है. Praise is verbal faith. और जो महिमा है वो एक तरह से मुख से प्रकट की हुई विश्वास है. In Hebrews 11 verse 30. और इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 11:30 उसका 11वां और 13वां पद. By faith the walls of Jericho fell after the people had marched round them for 7 days. और विश्वास के द्वारा यरीहो की वो दीवार गिर गई जब लोग उसके चारों ओर चल चुके थे. How many of you remember this story? आप में से कितने लोगों को इस घटना के बारे में याद है? Okay, what were the people instructed to do? क्या निर्देश दिया गया था उन लोगों को? For 6 days. 6 दिन तक. They had to walk around the walls of Jericho. 6 दिन तक उनको यरीहो के उस दीवार के चारों ओर घूमना था. Once. एक बार. But on the 7th day. और 7वें दिन. They had to walk 7 times. उन्हें चक्कर काटना था 7 बार. And then they were given the instruction to shout. और उसके बाद उन्हें निर्देश मिला था कि तुम जोर से चिल्लाना. And when they shouted, the walls of Jericho fell down. और जैसे ही उन्होंने चिल्लाया यरीहो की वो दीवार ढह गई. Praise causes the victory. और महिमा जो है वो जीत हासिल करवाती है. Do you remember Paul and Silas in the prison? क्या आपको पौलुस और सिलास याद है जब वो बंदीगृह में थे? They were unfairly put in the prison. और उनको जायज रूप में बंदीगृह में नहीं रखा गया था. They had set a girl free from demon possession. उन्होंने तो बल्कि एक नेक कार्य किया था कि एक दुष्टात्मा से ग्रसित महिला को उन्होंने छुटकारा दिलवाया था. But what did they do? Did they complain? लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें बंदीगृह में रखा गया तो क्या वो वो इस बात के लिए वो गुस्सा हो रहे थे इस बात को सोच करके? How many of us would complain if we were unjustly put in prison? और हमें अगर हमें गलती से अगर बंदीगृह में डाल दिया जाए तो हम कितने लोग क्रोधित होंगे और अनशन बोलेंगे? How many of us would complain? हमें से कितने लोग हैं जो कुछ भी बोलते रहेंगे? I don't see very honest people here. और शायद बहुत ही सच्चे लोग मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं. Yeah, I would complain. और मैं तो काफी क्रोधित होंगी और मैं शिकायतें करूंगी. But do you know what happened at 12 o'clock in the night when they were praising, when they were in that cell? और लेकिन रात के 12 बजे क्या होता है जब वो महिमा कर रहे थे उस बंदीगृह में ही? They began to praise the Lord.
और वो महिमा करने शुरू कर देते हैं. Their legs were in stocks. और उनके जो पैर थे वो बेड़ियों से जकड़े हुए थे. Bound with chains. और उनको लोहे की जंजीरों से बांधा गया था. They were badly beaten. और उनको बहुत ही पीटा भी गया था. But they began to praise the Lord. लेकिन वो इन सबको भूलते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे थे. Beloved, और उनको इसमें मजा आ रहा था. Praise is verbal faith. याद रखें जो महिमा है वो मुख से प्रकट की हुई विश्वास है. We can see faith. हम विश्वास को देख सकते हैं. By what you say. आप जो बोल रहे हैं उसके द्वारा. What you sing. आप जो गीत गा रहे हैं उसके द्वारा. What comes out of your mouth. और जो भी आपके मुंह से निकलता है. Can we determine we're going to praise God no matter what's happening around us? और क्या हम इस बात को आज गांठ ले सकते हैं कि हम परमेश्वर को महिमा देंगे स्थिति चाहे कुछ भी हो. All of us go through difficulties. हम में से सब कोई किसी ना किसी समय किसी ऐसी स्थिति से होके गुजरता है जो कि मुश्किल में डालती है. But if we want victory in our difficult circumstances, लेकिन अगर हमें जीत प्राप्त करनी है उस मुश्किलातों में भी, the way is to praise. महिमा के द्वारा ही वो हासिल किया जा सकता है. How many of you were here last Sunday when Sister Florence was ministering in song? और बहन फ्लोरेंस जब पिछले इतवार यहाँ गा रही थी तो कितने लोग मौजूद थे? Were you encouraged with the way she sang and praised the Lord? क्या आप उत्साहित हुए थे उनको देख करके कि किस तरह से उन्होंने गीत को गाया था? Do you know on Monday morning she was on the operation theater? और सोमवार को सुबह वो उनका ऑपरेशन हो रहा था. She has cancer. और उनको कैंसर था. She had a left breast removed. और उनको स्तन का कैंसर था. But she was able to praise the Lord. और लेकिन फिर भी इन सब ऐसी स्थिति होने के बावजूद वो परमेश्वर को महिमा दे पा रही थी. You know, that was such an encouragement to me. और ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहित प्रेरित करने वाली बात थी. I'm meeting her after 28 years. और 28 साल के उपरांत मैं उनसे भेंट कर रही थी. But I've seen the joy in her life. और लेकिन मैंने उनके जीवन में वो खुशी देखी है. That no matter what's happening around her. कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चारों ओर क्या बीत रहा है. No matter that cancer seems to have a better hand in her life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैंसर उनके शरीर में है. She is able to praise the Lord. फिर भी वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार रहती हैं। I want to encourage you today. और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज के दिन. Learn the secret of praising God. परमेश्वर को महिमा देने के लिए जो चीजों की जरूरत है उसको आप सीखें। The first thing, focus on heaven always. पहली बात याद रखें कि हमेशा स्वर्ग में आपका ध्यान केंद्रित रहे. Okay, there's one story I missed out on, Jehoshaphat. और यहोशापात के बारे की घटना मैं आपको बताना चाहूंगी. Many of you know this story. आप में से कई लोगों को ये कहानी पता होगी शायद. Okay, the battle was so hard. और जो युद्ध था वो बहुत ही मुश्किल युद्ध था. Three armies had come against him. और तीन अलग अलग सेनाएं उसके विरुद्ध में खड़ी हो चुकी थीं. And he cried out to God and said, God, what should we do? और वो परमेश्वर को दुहाई देता है कि परमेश्वर आप ही बताएं कि क्या करना चाहिए. And God says, the battle is mine. Don't be afraid. Don't be discouraged. लेकिन परमेश्वर बोलता है ये युद्ध मेरा है, तुम हताश मत हो. And so God gives them the strategy for this victory. और परमेश्वर ही उन्हें योजना देता है कि किस तरह से तुम जीत को हासिल कर सकते हो. God said, send the musicians in front. और परमेश्वर ने बोला कि अपने वाद्य बजाने वालों को सामने भेजो. What? In a real battle, do you send praise in front? और उसने प्रश्न किया, क्या ऐसा हो कहीं होता है कि युद्ध में I don't think he questioned, it's me questioning. और मैं ये प्रश्न कर रही हूँ कि ऐसा कहीं होता है कि हम युद्ध में जा रहे हैं और गाने बजाने वाले आगे आगे चल रहे हैं. You send the musicians in front to praise and to say, give thanks to the Lord for his love endures forever. और लेकिन परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर को महिमा देने वाले वाद्य यंत्रों के साथ लोगों को महिमा देने के लिए आगे आगे भेजो. Do you know what happened? लेकिन आपको पता है क्या होता है? As they began to praise. जैसे उन्होंने महिमा आरंभ किया. Out of the three armies that had come against them. और तीन सेनाएं जो कि उनके विरोध में खड़े हुए थे. Two of them started battling the third one. और दो जो सेनाएं थी वो तीसरी सेना को जो विरोध में खड़े हुए थे आपस में ही लड़ने लगे वो. And the two that were left destroyed each other.
और जो दो बाकी बचे थे उन्होंने एक दूसरे को ही बर्बाद कर दिया. हालेलुया. हालेलुया means praise the Lord. हालेलुया का भी अर्थ है परमेश्वर की तारीफ हो. Are we ready to praise him when we face enemies on all sides? क्या हम उसको तारीफ दे सकते हैं ऐसे समय में जब हमारे दुश्मन चारों ओर भर रहे हैं? Are we able to rejoice no matter what's happening around us? क्या हम सही में आनंदित रह सकते हैं इससे बेखौफ बेफिक्र कि हमारे स्थिति क्या है, चारों तरफ क्या घट रहा है? Are we able to boast in the Lord and say there's no one like our God? क्या हम परमेश्वर में घमंड करके ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जैसा कोई नहीं? There's nothing too difficult for our God. और ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं, मुश्किल नहीं परमेश्वर के लिए. Amen. आमीन. This week I pray. और इस हफ्ते के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. That you will meditate on this scripture in Luke 10. आप मनन करेंगे लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के ऊपर. And you will discover the secret. और आप उन बातों को सीख पाएंगे. That has been revealed to God's children. जो का प्रकाशन किया गया है परमेश्वर के बच्चों के लिए महिमा के बारे. You don't have to be wise and learned by the world standard. और आपको इसके लिए कोई बहुत ही बुद्धिमान नहीं होना चाहिए इस पृथ्वी के हिसाब से. But if you simply walk out in faith. लेकिन आप सिर्फ अगर विश्वास में आगे कदम बढ़ाएं. You know, we're called to live by faith. हमें बुलाया गया है कि हम विश्वास के द्वारा जीवित रहें. Not by sight, but by faith. देखने के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा. And if you choose, I'm going to praise God. I'm going to verbally declare my faith. और अगर आप ये इस बात को मान लेते हैं कि मैं परमेश्वर को तारीफ देने वाला हूँ और मैं विश्वास के द्वारा ही जीवित रहूंगा. You will see heaven come down. और हम देखेंगे कि स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा. You will see God work through you. और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कार्य करता है. You know, this morning as I was meditating on this scripture. और आज की सुबह मैं जब इस पंक्तियों पे मनन कर रही थी. A thought hit me. और एक ध्यान आया मेरे पास. You know, many times we want miracles and instantaneous prayers answered. कई बार हम चाहते हैं कि कोई आश्चर्य कर्म हो जाए, हम प्रार्थना करें और चुटकी बजाते हुए ही उसका उत्तर मिल जाए. You know, we're in that generation that wants instant success, instant gratification. हम शायद उस युग में रहते हैं जब हमें सब कुछ फटाक से चाहिए. But do you know, there's something about waiting on God. लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर पे को के साथ समय देना बहुत ही महत्वपूर्ण है. I've experienced many times in my life. और मैंने अपने जीवन में ये बहुत बार महसूस किया है, अनुभव किया है. That there's something about the third day. और तीसरे दिन का इंतजार का कुछ मतलब होता है. You know, this in the Bible it says on the third day, on the third day, on the third day Jesus rose from the dead. और धर्मशास्त्र में बहुत बार तीसरे दिन का जिक्र आया है. तीसरे दिन यीशु मसीह भी जिलाया गया था. Why did God have to wait 3 days? Why couldn't Jesus just be resurrected on the first day? और परमेश्वर को क्यों 3 दिन इंतजार करना था? यीशु मसीह पहले ही दिन क्यों ना उनका पुनरुत्थान हो गया? Why is it sometimes that we have to go through a period of waiting? ऐसा क्यों है कि वो इंतजार का समय से होकर के हमें गुजरना पड़ता है? I believe God does something in us before he can do something through us. और मुझे ऐसा यकीन है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है इससे पहले कि हमारे जीवन का प्रयोग वो कुछ और करने के लिए करे. You know, the Bible says, with faith and patience, we inherit God's promises. और धर्मशास्त्र हमें ये बताता है कि विश्वास और धीरज के द्वारा हम हासिल करते हैं. Many of us have faith. बहुत लोगों के पास विश्वास होता है. Yes, I believe, Lord. हम हाथ उठा के बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे यकीन है. But sometimes it takes a few days of patience. लेकिन कई बार कुछ अंतराल के लिए धीरज की जरूरत भी होती है. But God is looking at those 3 days or the 1 month or the 1 year that you're patiently waiting. क्योंकि परमेश्वर इस बात को देख रहा है कि किस तरह से आप उस धीरज के साथ कुछ समय इंतजार कर रहे हैं. When you're patiently waiting for his promises to be fulfilled. किस तरह से आप धीरज से उसके वाचाओं को पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं. Can we be a people who through our waiting time can praise God? क्या हम वैसे लोग बन सकते हैं कि उस इंतजार की घड़ी में भी परमेश्वर को महिमा दें? You know, many times I've just trusted God for certain things and I say, God,
on the third day, Lord, I believe you'll do it. और कई बार ऐसा हुआ है, मैंने अपने जीवन का अनुभव बता रही हूं कि मैंने परमेश्वर को बोला है कि मैं तीसरे दिन तक इंतजार करूंगा, तीसरे दिन मैं आश्चर्य कर्म को देखूंगी. It happened when I had to say yes to my husband, Victor. और ये मेरे साथ हुआ जब शादी का प्रस्ताव मेरे सामने था और मुझे हाँ या नहीं जवाब देना था. I wasn't sure if he was the right man for me. और मैं पूरी तरह से यकीन में नहीं थी कि क्या वही वो व्यक्ति है जिससे मेरी शादी होगी. So my dad said, "Why don't you fast and pray for 3 days?" तो मेरे पिता ने मुझे बोला कि तुम उपवास और प्रार्थना में 3 दिन का समय बिताओ. So we began to fast and pray. और हमने उपवास और प्रार्थना शुरू किया. You know, and I told the Lord, I said, "If on the third day," और मैंने परमेश्वर को बोला कि अगर तीसरे दिन, "He asked my father to marry me." अगर ये प्रस्ताव उस व्यक्ति के तरफ से मेरे पिता के पास आता है, "Then I will know it's from you, God." तो मैं समझ जाऊंगी कि ये आपके द्वारा ही है. I don't know if it's a very wise thing to do, but that's what I did. और मुझे नहीं पता कि ये बहुत ही बुद्धिमान वाली चीज है या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा किया. And you know, on the third day, और तीसरे दिन, he had come to our house, और वो मेरे घर आए, and we were fasting and praying, और हम उपवास और प्रार्थना में थे, but he walked out of the door, और वो दरवाजे से भीतर आए, and he was going downstairs, और वो दरवाजे से बाहर जा करके वो नीचे की तरफ जाने लगे, and I was thinking, okay, this is not it. और मैं समझी कि शायद परमेश्वर ये नहीं चाहते. But God spoke to him and said, "Go back up." लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल में डाला और वो वापस ऊपर घर में आए. And he asked my father that day to marry me. और फिर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा मेरे पिता के सामने कि क्या वो शादी कर सकते हैं. There's something about waiting. और इंतजार में कोई बात है. People of God, परमेश्वर के जन, don't give up on the verge of your miracle. आप हताश ना हो जाएं उस समय में जब इंतजार के बाद शायद वो आश्चर्यकर्म होने ही वाला हो. Most people give up just when the breakthrough is coming. और बहुत लोग होते हैं जो हताश हो जाते हैं इससे पहले कि वो आश्चर्यकर्म हो जाए. God doesn't work always on our timetable. क्योंकि परमेश्वर हमारे समय के हिसाब से नहीं कार्य कर रहा है. But if we're willing to wait for His time. लेकिन अगर आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के समय के मुताबिक, If we're willing to praise Him as we wait, और अगर आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार हैं उस इंतजार की घड़ी में भी, we will get the victory. तो हमें जीत Amen. जरूर हासिल होगी. Let's just stand up and begin to praise Him. और आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर को तारीफ देना शुरू करें.